तो कहानी की शुरुआत मिकी नाम के एक आदमी को दिखाने से होती है जो एक घर के सामने खड़ा हुआ था कि तभी अचानक उस घर से बेन नाम का आदमी भागते हुए बाहर आता है। साथ ही वो घर की तरफ गोली चलाते हुए ये कह रहा था कि वो लोग आ रहे हैं। मिकी भी उसे भागता हुआ देख उसके साथ वहाँ से भाग खड़ा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि दुनिया के ज्यादातर लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और सिर्फ गिनती के इंसान ही बचे हुए हैं, जिनमें से ये दोनों भी होते हैं। दरअसल बेन और मिकी बेसबॉल प्लेयर्स थे। साथ ही अगर बेन की बात करें तो उसने खुद को इस परिस्थिति के हिसाब से ढाल लिया था। वो लगातार अपनी जगह बदलता रहता था और साथ ही ज़ॉम्बीज से सामना होने पर उन्हें मारने से जरा भी नहीं कतराता था। तो वहीं मिकी की बात करें तो वो बेन से ठीक उल्टा होता है। वो इस परिस्थिति में भी एक जगह रुककर रहना चाहता था। मिकी हर समय गाने सुनता रहता था और उसने अभी तक एक भी ज़ॉम्बी को अपने हाथों से नहीं मारा था, लेकिन फिर भी ये दोनों काफी समय से इस परिस्थिति में भी एक दूसरे के साथ सही सलामत थे। दोनों लगातार आगे बढ़ते हुए अलग अलग घर में जाते थे और वहाँ से अपने मतलब की चीजें लेने के बाद ये लोग इसी तरह अपना सफर जारी रखते हैं। इसके बाद इन दोनों को एक गाड़ी नजर आती है जिसके अंदर एक ज़ॉम्बी लड़की बैठी हुई थी। वो इन लोगों को देखकर इनकी तरफ बढ़ने लगती है, जिसे बेन बिना देरी किए मार देता है। और फिर वो गाड़ी को स्टार्ट करके देखता है तो ये गाड़ी एकदम सही सलामत होती है, जिसे पाकर ये दोनों काफी खुश होते हैं क्योंकि काफी दिनों से ये लोग ऐसे ही पैदल चल रहे थे। यहाँ से मिकी के कहने पर दोनों उसकी गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं जो शायद मर चुकी थी। मिकी उसके कमरे में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को काफी याद करता है। वो उसकी फोटोज देखकर उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए फूट फूट कर रोने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ बेन इस घर में अपने काम की चीजें ढूंढ रहा होता है, जहां से उसे दो वॉकी टोकी, एक पेट्रोल कैन और एक चेयर मिलती है, जिन्हें वो संभाल कर अपने पास रख लेता है। इसके अलावा वहाँ इन्हें टूथपेस्ट भी मिल जाता है, जिससे दोनों ब्रश करते हैं क्योंकि काफी दिनों से इन्होंने ब्रश भी नहीं किया था। इसके बाद ये लोग कुछ वक्त इसी घर में गुजारने का फैसला करते हैं, जिस दौरान मिकी बेन से कहता है कि हम दोनों क्यों ना अब यहीं पर रुक जाएं, लेकिन बेन उसे मना करते हुए कहता है कि तुम्हें याद है ना कि कैसे हम दोनों एक ही घर के अंदर ज़ॉम्बीज की वजह से पूरे 3 महीने तक फंसे हुए थे, जिस वक्त हमें अपना पेट भरने के लिए डॉग फूड तक खाना पड़ा था और जब खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो हमने उस पालतू डॉग को ही मारकर खा लिया। इसलिए मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हम जिंदा रह पाएंगे। यहाँ मिकी को बेन की बात माननी पड़ती है, जिसके साथ ही ये लोग देखते हैं कि इनकी कार में सीट लंबा करके सोने की जगह भी है, इसलिए ये लोग इसी में आराम करने का फैसला करते हैं। जिसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने के बाद दोनों एक जगह कुछ देर के लिए रुकते हैं, जहाँ बेन मिकी से कहता है कि तुम कुछ देर के लिए अपने हेडफोन्स को आराम दे दो, अगर तुम पर कोई ज़ॉम्बी अचानक से हमला करेगा तो तुम तो उसके आने की आवाज भी नहीं सुन पाओगे। यहाँ मिकी उसकी बात मानकर हेडफोन्स उतार देता है, जिसके बाद वो एक वॉकी टोकी बैटरी डालकर चेक करता है तो उसमें एक दूसरी फ्रीक्वेंसी पर एक लड़का और लड़की आपस में बातें कर रहे थे, जिसमें से लड़की का नाम एनी होता है। यहाँ मिकी उन दोनों से बात करने की कोशिश करता है। मिकी कहता है कि हम दो ही लोग हैं, इसलिए तुम हमें भी साथ ले लो, जिस पर वो आदमी बोलता है कि यहाँ पहले से ही काफी लोग मौजूद हैं, तो तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही वो मिकी से कहता है कि आज के बाद हमसे कांटेक्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। वो एनी को भी धमकाता है कि अगर तुमने इससे बात की तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, ये तुम सोच भी नहीं सकती। यहाँ मिकी अपनी इस बात के बारे में बेन से बताते हुए उससे कहता है कि वो आदमी कह रहा था कि वो लोग पहले से काफी ज्यादा हैं, मतलब कि वो आसपास किसी न किसी जगह जरूर रुके होंगे जिन्हें मैं किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता हूँ। यहाँ बेन के लाख समझाने के बावजूद मिकी नहीं मानता और दोनों रास्ते में पड़ने वाले हर घर को देखते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, जिसमें से एक घर का दरवाजा तोड़ने पर उसमें से दो ज़ॉम्बीज बाहर निकलते हैं, जिन्हें देख बेन मिकी पर काफी गुस्सा करते हुए उन ज़ॉम्बीज को मार डालता है। इसके बाद अगले दिन बेन एक झरने को देख उसमें नहाने के लिए जाता है। इसी दौरान मिकी गाड़ी में ही सो रहा होता है, तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी लड़की आकर थोड़े से खुले शीशे में अपना हाथ डाल के मिकी को पकड़ने की कोशिश करती है, जिससे मिकी बहुत बुरी तरह डर जाता है। लेकिन सही वक्त पर बेन वहाँ पहुंचकर उस ज़ॉम्बी लड़की के भेजे को गोली से उड़ा देता है, जिसके बाद दोनों हमेशा की तरह कभी किसी स्कूल तो कभी किसी घर में जाना जारी रखते हैं, मगर इन्हें कहीं कुछ भी नहीं मिलता। हालांकि जल्दी ही ये लोग एक घर में पहुंचते हैं, जिसे देख मिकी इस बार बेन से जिद कर लेता है कि हमें आज रात यहीं रुकना चाहिए, और इस बार बेन भी उसकी बात मान लेता है। इसी दौरान मिकी एक बार फिर एनी से बात करने की कोशिश करता है। वो मिकी की आवाज सुनकर उससे कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो वो मेरे साथ क्या करेंगे वो तुम सोच भी नहीं सकते, इसलिए प्लीज तुम मुझसे बात ना करो। दूसरी तरफ बेन गाने सुनते हुए अकेले ही काफी ज्यादा मजे कर रहा था, जिसके बाद वो बाहर जाता है तो वहाँ उसे एक ज़ॉम्बी दिखता है, उसे किसी ने पेड़ से बांधा हुआ था। बेन उस ज़ॉम्बी से पहले कुछ देर बातें करता है और जब उसका मन भर जाता है तो वो उस ज़ॉम्बी को ले जाकर मिकी के कमरे में छोड़ देता है। यहाँ बेन ने बाहर से दरवाजा पकड़ा हुआ था ताकि मिकी उसे खोलकर बाहर ना निकल पाए। यहाँ कुछ देर बाद जब बेन दरवाजा खोलकर देखता है तो वो
अपने सामने मिकी को ज़ॉम्बी के खून में रंगा हुआ पाता है और उसे देख बेन हंसते हुए कहता है कि बधाई हो, तुमने आज अपना पहला ज़ॉम्बी का शिकार किया है। मतलब कि ये बेन का मजाक था, जिस पर मिकी एकदम से भड़क जाता है और वो बेन को मारने के बाद वहाँ से रोते हुए भाग जाता है, जिसे ऐसे जाते देख बेन भी उसके पीछे जाता है, जहाँ रोते हुए मिकी उससे एनी के बारे में शेयर करता है और कहता है कि उसने मुझसे बात करने से ही मना कर दिया है। इसके बाद अगले कुछ दिन ये दोनों इसी तरह घूमते हुए गुजारते हैं, जिस दौरान एक दिन इन्हें सड़क के बीचों बीच एक गाड़ी दिखाई देती है, जिसके बोनट पर हाथ रख कर देखने पर मिकी बेन से कहता है कि ये गाड़ी अभी भी गर्म है, मतलब कि कोई इसे चला रहा था और वो यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। यहाँ बेन पहले उस गाड़ी से पेट्रोल निकालने की कोशिश करता है, पर उसमें पेट्रोल नहीं होता। बेन आवाज देते हुए पूछता है कि ये गाड़ी किसकी है, मगर उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन इसी बीच वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं, जिसके पास चाकू थी और वो मिकी को चाकू की नोक पर पकड़कर बेन से उसकी गाड़ी की चाबी मांगता है, जिसे ऐसा करते देख बेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी तरह हम भी इंसान हैं और अब तक ज़ॉम्बीज़ से बचे हुए हैं, इसलिए हमें साथ मिलकर इन हालातों का सामना करना चाहिए। जिस पर वो आदमी बेन को जवाब देते हुए बोलता है कि मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ये गलती मैं एक बार उन लोगों पर भरोसा करके कर चुका हूँ, उन्होंने मेरे साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया है, इसलिए अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। तुम बस अपनी गाड़ी की चाबी मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे दोस्त को जान से मार दूंगा। यहाँ जब कोई बात नहीं बनती तो बेन उस आदमी के कहने पर अपनी गन नीचे रख देता है और उस आदमी से कहता है कि चाबी गाड़ी के अंदर है। वो आदमी मिकी को छोड़ जब गाड़ी के अंदर बैठता है तो वहाँ उसे कोई चाबी नहीं मिलती, जिस पर बेन अपने पास से चाबी निकालकर उसे दिखाते हुए बोलता है कि चाबी मेरे पास है, और ये देख वो आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेन उसे पीछे से गोली मार देता है, जिससे वो आदमी वहीं मर जाता है। ये देख मिकी बेन से बोलता है कि वो तो इंसान था ना, तो फिर तुमने उसे क्यों मार दिया, जिस पर बेन बोलता है कि उसने हमारी गाड़ी चुराने के साथ तुम्हें मारने की भी कोशिश की, इसलिए मैं उसे छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था, क्या पता दोबारा मौका मिलने पर वो हमें ही मार डालता। ये दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसकी तरफ बेन गन पॉइंट करके पूछता है कि तुम कौन हो। उस गाड़ी के अंदर से एक लड़की और एक आदमी बाहर निकलते हैं, जिनमें से आदमी के पास एक बड़ी गन थी। यहाँ वो लड़की इनसे सवाल करती है कि ये जो गाड़ी खड़ी है, इसे एक आदमी चला रहा था, तो क्या तुमने उसे कहीं देखा है। इसके जवाब में बेन बोलता है कि उसने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की और साथ ही वो हमारी गाड़ी चुराना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। इस पर वो लड़की दोबारा सवाल करती है कि उसने क्या मरने से पहले तुम्हें कुछ बताया था, जिस पर बेन कहता है कि नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, उसने बस इतना कहा कि कुछ लोगों ने उसके साथ धोखा किया है। ये सुनकर वो लड़की बोलती है कि ये गाड़ी उसने हमें से चुराई थी, इसलिए हम उसका पीछा करते हुए यहाँ आ गए, लेकिन तुमने उसे मारकर काफी अच्छा किया। इतना कहने के बाद वो लड़की और आदमी वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी मिकी उसे रोककर पूछता है कि तुम एनी हो ना। ये बात सुनकर वो लड़की कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। इस पर मिकी कहता है कि मैंने तुमसे वॉकी टोकी पर बात की है, इसलिए मैं तुम्हारी आवाज आराम से पहचान सकता हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की एनी ही है और जो आदमी उसके साथ था ये वही आदमी होता है जिससे बात करते हुए मिकी ने एनी को सुना था। एनी मिकी से बोलती है कि मैंने तुमको कितना समझाया था कि तुम मुझसे कॉन्टेक्ट करने या मिलने की कोशिश मत करना, लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने। यहाँ एनी तुरंत बेन के पैर पर गोली मार देती है और इसके बाद वो उसकी गाड़ी की चाबी लेकर वहीं झाड़ियों में फेंक देती है। एनी मिकी से कहती है कि मैं ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया है। इतना कहने के बाद वो उस आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। एनी के जाने के बाद मिकी कार की चाबी को ढूंढने की कोशिश करता है, पर अंधेरा होने तक उसे चाबी नहीं मिलती। साथ ही बेन के पैर में गोली लगी होने के कारण वो चल नहीं सकता था, इसलिए मिकी वहीं कार के अंदर रात गुजारने का फैसला करता है। यहाँ बेन मिकी से बार बार कह रहा होता है कि तुम मुझे यहीं छोड़कर चले जाओ, कम से कम तुम्हारी जान तो बचेगी, लेकिन मिकी कहता है कि मैं तुम्हारे बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि हम दोनों हमेशा की तरह इस परिस्थिति से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। दोनों उसी गाड़ी को अंदर से लॉक करके सोने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी ढेर सारे ज़ॉम्बीज उन्हें आते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देख मिकी बोलता है कि हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा, जिस पर बेन उससे कहता है कि तुम बड़ी जल्दी भूल गए कि मेरे पैर में गोली लगी है, मैं चाहकर भी नहीं भाग सकता, लेकिन तुम अपनी जान बचा सकते हो, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन मिकी बेन की इस बात को नहीं मानता। इसी दौरान हम देखते हैं कि इनकी गाड़ी को ज़ॉम्बीज़ ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन ये दोनों उनका कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए दोनों चुपचाप सो जाते हैं, जहाँ सुबह उठने पर वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ अभी तक कहीं नहीं गए हैं, जिनसे परेशान होकर मिकी सभी शीशों को कंबल से ढक लेता है। यहाँ बेन मिकी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि
आज यहाँ हम दोनों तुम्हारी वजह से फंसे हुए हैं। अगर तुम उस लड़की के पीछे पागल ना होते तो वो लोग भी ऐसा नहीं करते। यहाँ मिकी भी अपनी गलती मान लेता है। साथ ही वो बेन से कहता है कि क्या तुम फिल्मों की तरह तार के जरिए गाड़ी चालू नहीं कर सकते जैसे कि फिल्मों में होता है। इस पर बेन बोलता है कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही अच्छा लगता है क्योंकि अगर ऐसा करते वक्त कोई गलती हुई तो ये गाड़ी कभी भी स्टार्ट नहीं होगी, इसलिए तुम्हें वो चाबी ढूंढनी ही होगी। ये लोग एक दो दिन इसी तरह गाड़ी के अंदर बिताते हैं जिसकी वजह से इनका पानी भी खत्म हो रहा था। साथ ही ज़ॉम्बीज भी अब ज्यादा आ चुके थे, इसलिए मिकी प्लान बनाता है कि मैं सनरूफ से होकर गाड़ी से बाहर निकलकर चाबी ढूंढने के लिए जाऊंगा, तब तक तुम यही मेरा इंतजार करना। बेन मिकी से कहता है कि अगर तुम्हें चाबी ना मिले तो तुम वक्त रहते यहाँ से निकल जाना, मेरे लिए वापस मत आना। इस पर मिकी बोलता है कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं वापस जरूर आऊंगा। इतना कहकर वो बाहर चला जाता है। इस दौरान थोड़ी देर बाद ही बेन को अकेलापन महसूस होने लगता है। वो काफी परेशान था कि मिकी अभी तक वापस क्यों नहीं आया, लेकिन उसके इंतजार के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता था। काफी देर हो जाने पर यहाँ एक पल के लिए बेन को लगता है कि शायद मिकी उसे छोड़कर चला गया, लेकिन उसी दौरान बेन को मिकी की आवाज सुनाई देती है और बेन तुरंत सनरूफ को उसके लिए खोल देता है, जिसे वापस देख बेन काफी खुश होता है। बेन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें चाबी मिल गई। इस पर मिकी रोते हुए उसे अपना हाथ दिखाता है जिस पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान था। ये देख बेन के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक जाती है और वो अपनी गन मिकी पर पॉइंट करके उसे गाड़ी से बाहर निकलने के लिए बोलता है, मगर मिकी उससे बार बार एक ही बात बोलता है कि मेरी मदद करो। बेन यहाँ मिकी से कहता है कि मैं अपने दोस्त को ज़ॉम्बी में बदलते हुए नहीं देख सकता, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे तुमको मारना होगा। और इतना कहते ही वो ट्रिगर दबा देता है जिससे मिकी की वहीं मौत हो जाती है। बेन अपने दोस्त के लिए काफी ज्यादा दुखी था और वॉकी टोकी को ऑन करके बोलता है कि एनी, मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकती हो और तुम्हारी वजह से आज मैंने अपने दोस्त को खो दिया जिसके साथ मैं पिछले कई महीनों से था। इस खत्म होती दुनिया में हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। जानती हो एक बार इसी तरह हम 3 महीनों तक एक घर के अंदर फंस गए थे। अगर मैं वहाँ से निकल सकता हूँ तो यहाँ से भी मैं बाहर निकलने की कोशिश जरूर करूँगा। अगर कोशिश में मैं कामयाब नहीं हुआ तो मैं खुद को गोली मार लूंगा और अगर मैं कामयाब हो गया तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों पक्की है। इसके बाद बेन पीछे के दरवाजे से किसी तरह से चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसके साथ अगले ही पल हम उसे बाहर बेसबॉल बैट के साथ देखते हैं, जहां बेन लंगड़ाते हुए चल रहा था जिसका कई सारे ज़ॉम्बीज धीरे धीरे पीछा कर रहे थे। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।